जय हिंद। आदरणीय रविंद्र रैना जी और बाकी सभी जो हमारे पार्टी के और बाकी सभी पार्टी के लीडर्स भी, आप लोगों से सभी से एक गुजारिश है, प्लीज ये जो आप दौरे वौरे करने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में या कहीं पर, इससे बेहतर है आप कुछ फ्रूटफुल काम करें। और मुझे लगता नहीं कि अब आपको मुझे बताने की जरूरत है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक तजवीज है मेरी कि ये जो आप यहाँ पर जाकर इनके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लिए, क्योंकि वैसे ही वो काम नहीं करते और अकेले तो आप जाते नहीं, पूरी फौज लेकर जाते हैं। पता नहीं किस बात का डर है आपको, जनता से डर लगता है या किससे डर लगता है मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी है आप इससे बेहतर होगा कि एलजी साहब के पास जाइए, आप सेंटर में जाइए, आप हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात कीजिए और किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करिए। अटल डुल्लू जी के जाके बोलिए कि अपनी आंखें खोलिए, जागिए और कुछ करिए। अब ये वो वक्त नहीं रहा कि हम अब लोगों को बेवकूफ बनाएं। आप अपनी पॉलिटिक्स करके अब इस वक्त भी लोगों को बेवकूफ बनाएंगे तो लोग मुझे लगता है झूठे मारेंगे आपको पकड़ के यहाँ पर। तो प्लीज आप कुछ काम करिए। एंड वन मोर थिंग, मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको अगर जाने का शौक है तो कहीं बाहर जाइए और सैनिटेशन करवाइए, गलियों में जाइए, लंगर लगवाइए, कुछ और काम कीजिए। बाकी आपके पास कोई संवैधानिक बात ऐसा नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाकर और आप कोई एक पेन भी इशू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हम कर सकते हैं हमें वहां जाकर अपनी मांग उठानी चाहिए, क्योंकि आप मांग कर सकते हैं, मैं भी मांग कर सकती हूँ और हम वही कर सकते हैं, वही करें। हाँ, अगर कभी किसी को आपकी जरूरत है वहां पर और अगर आप उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं तो आप हॉस्पिटल में जरूर जाइए, लेकिन सिर्फ वहां पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए प्लीज वहां पर मत जाइए। वैसे ही वहां का हाल बुरा है, डॉक्टर्स वैसे ही काम नहीं करते, लेकिन आपको देखने के आने के लिए वहां पर पूरा स्टाफ जमा हो जाता है, वो जो कर रहे होते हैं वो भी नहीं करते। और मैं अपू बीजेपी मांडी रहा, लेकिन अफसोस आंदा जिन्हें बीजेपी मांडी लोग सारे पूरी सुंदर बनी हुई है, झोलियां भरिए वोट देिए भी साढ़े लोगों का, अगर कख नहीं बना सारे तो असें बड़ा दुख है। अगर साढ़ा दायित्व है, जनाब एम पी साहब भी 5 साल होइए तुसीं जित्ते दे जित्ते दे, तुसीं कम से कम कुसै दी सुध तां लैनी चाहीदी सी, असें कोई दिंदी नहीं रही किसे, लेकिन कम से कम समाज का कोई भला करना चाहता कि मैं पर्सनली अपना कक्ख नहीं आखदा। मैं तुहाडे अगे हत्थ जोड़िए बिनती करना, इस समाज गी अज इ'यां नहीं इगनोर नहीं करिए जायो, अगर आए दे हो मैं तुहाडे कन्नै शाना बजाना, जिथे तुस मी आखो तुहाडे कन्नै चलांगा, जिथे वोट मंगन जाना मैं तुहाडे कन्नै चलांगा, समाज का पूरा बाजार एक बैल्ट एक किट्ठी करिए सारे नाल लियांगा। लेकिन साढ़ा समाज बहुत ज़्यादा दुखी है, व्यापारी लोग पुलिस आए आते हैं, हाँ जी निका गरीब बंदा जिन्हें दुकान किराए पर लैती दी है कुछ शामी, जिसकी रुटी खाने योगी नहीं है, वह बेचारा शटर खोली अगर 100 रुपये की चीज़ बेचता पुलिस आने चलो जी लाओ ये पर FIR जी लाओ इन्हें कि 5000 रुपये जुर्माना, भावें असं जागतों के घर भुखे मरा दे हो सारी। इन्हें व्यापारियों लोगों इन्ना कि दोष किए इन्हें इन्हें व्यापारी लोगों के इसे तेन वोट दिते कि सारे लोगों के खराब पर्चे लगन सर करोने वास्त पिछले बार सारी दुकाना नहीं खुला दी सारे फोन करी रहे कुछ सा फोन नहीं चुकया, लेकिन शाम लाल उन्हें असं जिला फोन किया उन्हें असं बिल्कुल उल्लै नहीं चुके, लेकिन बैक रिप्लाई उन्हें जरूर किया, उन्हें आखिया सर दसो तुम्हें के दो तीन बंदे जी दो तीन बंदे दो त्रै लागे मैं त्रै लागे ठीक है।